hello friends how are you hope you all are well let's start again subject maths of standard 5th page number 10 about one fourth of the boats with motor are big machine boat okay about one fourth jo boat hai okay wo big machine wali boat उ मेनी थाउजेंड मशीन बोट आर देर तो कितने थाउजेंड मशीन बोट वहां पर होगी टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन ओके ये आ, लिखे बिना हमें सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करते हैं ओके लेट्स रिवाइज प्रीवियस सेसन क्वीकली उसमें हमने देखा था टोटल टू लैक बोट से उसमें से हाफ है वो विदाउट मोटर है एंड हाफ है वो विथ मोटर है तो उसका हमने डिस्कशन किया था और हमें आंसर मिला था कि वन लेख बोट है वो विथ मोटर है तो उसमें से अब हमें वन लेख का वन फोर्थ फाइंड करना है ओके कोई भी नंबर का हमें अगर फ्रैक्शन फाइंड करना है ओके तो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय विथ दीज नंबर मल्टीप्लीकेशनोमेटर तो वन लेख डिवाइड बाई फोर करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेट सी इट इन डिटेल हमने और ट्राई किया अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ओके okay? बिग मशीन बोट है वन फोर्थ तो हमें टोटल नंबर ऑफ ये जो बोट है विथ मोटर वो वन लेख है हमने प्रीवियस सेशन में ये फाइंड किया था वन लेख उसका हमें वन फोर्थ पार्ट फाइंड करना है कोई भी नंबर का कोई पार्ट यानी फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी यहाँ पे वन फोर्थ है वो फ्रैक्शन है टू फोर्थ थ्री फोर्थ फाइव फोर्थ उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं अगर वो फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय वो नंबर करेंगे ओके okay? तो यहां पे हमें का पार्ट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय फॉर इसका हमें पार्ट फाइंड करना होता तो हम वन लेख मल्टीप्लाई बाय टू फोर्थ करते ओके okay? अब क्या करेंगे हम न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन तो वन लेख मल्टीप्लाई वन तो वन लेख मिलेंगे हमने डिस्कस किया हुआ है कोई भी नंबर को जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में फोर है वन लेख के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है कुछ नहीं है यानी वन होता है तो फोर वन जा फोर हो जाएगा सो वन लेख डिवाइड बाय फोर करेंगे लेट्स सी इट वन लेख डिवाइड बाय फोर फोर टू जा एट से हम स्टार्ट करेंगे सम टेन माइनस एट सो इट विल बी टू यहाँ पे uh, अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहो तो कर सकते हो जीरो माइनस एट नहीं होगा सो वी हैव टू टेक टेन टेन माइनस एट टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा जीरो यहाँ से ये यह जीरो है वो यहाँ हम लेंगे तो ये ट्वेंटी बन गया फोर के टेबल में ट्वेंटी आएगा यस फोर फाइजा ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी जीरो अब अगेन यहाँ पे क्या हुआ थ्री जीरो बचे ओके रिमाइंडर जीरो है तो अगर इसको नीचे उतारेंगे तो ये जीरो ही बन जाएंगे लेकिन जब लास्ट में कोई भी नंबर जीरो है और उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो ये जीरो हम यहां पे ले लेंगे सो वन टू थ्री जीरो बचे वो हमने यहां ले लिया तो आंसर क्या मिला हमें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ओके सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मशीन बोट यहां पे नेक्स्ट थिंग वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हुए हैं ओके okay? उनके बिजनेस से उसका नंबर जानके शायद आप चौक जाओगे वंडर यानी चौक जाओगे इन ऑल देर आर अबाउट वन हंड्रेड लेकर्स ओके अबाउट वन लेख फीस वर्कर्स हैसेट्रा ओके जो फीस को पकड़ते हैं क्लीन करते हैं उसको सेल करते बेचते हैं मैक एंड रिपेयर नेट्स एंड बोट ओके बोट को उसकी नेट को रिपेयर करते हैं बोट को वर्क करते हैं ये सब ओके यहाँ पे हमें आ, एक नंबर दिया वन हंड्रेड लेक तो कितना होगा हम कैसे सोल्व करेंगे ये वन हंड्रेड वन हंड्रेड लेक बोला ओके तो वन हंड्रेड में कितने जीरो आते हैं फाइव सो हैव टू पुट फाइव जीरो फोर फाइव नाउ इट वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लेख एंड करोड़ ओके तो वन हंड्रेड लेख का मतलब हुआ वन करोड़ तो इतने लोग हैं ओके okay? जो फीस को पकड़ते हैं उसको क्लीन करते हैं बाद में उसको सेल करते हैं वी हैव अ नेम फॉर दिस बिग नंबर ओके हमने अभी जो बिग नंबर के बारे में डिस्कस किया वही नंबर है बिग नंबर वन हंड्रेड लेक इज कॉल्ड करोड़ ओके वन हंड्रेड लेक को हम क्या कहेंगे करोड़ वेर हैव यू हीय ऑफ करोर वट वॉज द नंबर यूज फॉर आपने ये करोड़ करोड़ नंबर है वो कहाँ पे सुना है आप उसको कहाँ यूज कर सकते हो ओके okay? चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूं फॉर एग्जांपल जब भी हमारे कंट्री के बारे में कुछ डिस्कशन होता है तो उसमें आपने कहीं ये वर्ड करोड़ वो सुना होगा ओके okay? आप जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं बड़ी कंट्री के उसमें भी आप करोड़ वर्ड यूज कर सकते हो ऐसे और बहुत सारी जगह पे हम ये करोड़ नंबर यूज कर सकते हैं वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ डिस्कस करना है। ट्राई राइटिंग द नंबर वन करो। डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द ओके? हमें वन करोड़ लिखने का ट्राई करना है तो किस तरह से करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लेख एंड करोड़ ओके तो करोड़ में कितने जीरो आएंगे टू थ्री फाइव सिक्स सेवन ओके सेवन जीरो आएंगे तब ये नंबर बनेगा करो द फिश मार्केट ओके आपने भी कहीं गए हो तो मैं भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिश मार्केट देखी होगी कि वहाँ किस तरह की सिचुएशन होती है कैसे लोग वहां पे Uh, जैसे कि अपने बाजार तो देखा होगा साक मार्केट का ओके okay? सब्जी भंडार uh, uh, सब्जी की मार्केट उसी तरह फिश की भी मार्केट होती है वहां पे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिश बेचते हैं ओके यू कैन सी पिक्चर ऑफ फिश मार्केट अ फिश मार्केट क्या आपने फिश uh, मार्केट देखा है if you have then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी बहुत बहुत ही ये noisy place होती है fish market okay जहाँ पे लोग different different type की fish है वो बेचते हैं